हेलो बच्चों, हम 12th क्लास की रिटेल का थर्ड यूनिट कर रहे हैं। आज उसका हम थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या होता है बेटा? हाउसकीपिंग होता है कि अपने काम करने के एरिया की साफ सफाई, सभी वस्तुओं को अपने सही स्थान पर रखना, अच्छे से रखना तथा अपने एरिया की साफ सफाई रखना, जिससे कि सामान बिखरा हुआ ना हो, स्टोर देखने में अच्छा लगे तथा कोई भी प्रकार की दुर्घटना या टूट फूट ना हो। हाउसकीपिंग के लिए बहुत से उपकरण होते हैं। जैसे आप घर पे साफ सफाई करते हो तो साफ सफाई के लिए झाड़ू, पोछा, डस्टर और फिनाइल, लिक्विड, सर्फ, बहुत से उपकरण होते हैं जिनसे हम साफ सफाई करते हैं। इसी प्रकार स्टोर में भी हाउसकीपिंग के लिए झाड़ू पोछा या उसका डस्टर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। फिनाइल, लिक्विड, सर्फ, ब्रश, इन चीजों से साफ सफाई की जाती है। तो साफ सफाई करने के फायदे क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला है, गिरने फिसलने और दुर्घटना का खतरा कम हो जाता है। अगर फर्श साफ सुथरा होगा, सफाई होगी, तो गिरने का, फिसलने का और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सामान बिखरा हुआ नहीं होगा, स्टोर देखने में भी अच्छा लगेगा। आग लगने का खतरा कम होता है। अगर सामान बिखरा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, टूट फूट नहीं होती और आग लगने का खतरा भी कम होता है। काम करने का वातावरण साफ तथा स्वच्छ बनता है, काम करना आसान हो जाता है। अगर सामान बिखरा हुआ है तो उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब सामान अपने सही स्थान पर है, साफ सफाई है, तो काम करना आसान हो जाता है। नुकसान कम होता है। नुकसान कम होता है, क्यों कम होता है नुकसान? अगर सामान बिखरा होगा तो वो गिरेगा, टूट फूट होगी, और अगर सही स्थान पर साफ सफाई होगी तो नुकसान कम होता है। वस्तुओं की सुरक्षा बढ़ती है, वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं और उत्पादकता बढ़ती है। कर्मचारियों को काम करना आसान होता है तो वो अधिक काम कर पाते हैं, जिससे कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। पहले की तुलना में वो बेहतर काम करते हैं, पहले की तुलना में वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थी हाउसकीपिंग का मीनिंग और उसके बेनिफिट्स। थैंक यू।